हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो मैं आज न्यूटेला के बारे में मैंने बनाया है। न्यूटेला हर घर में आजकल प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, उससे तरह तरह की डिशेस बनाई जाती है। बच्चों को ये बहुत टेस्टी लगता है, कई डिशेस में ये डल के उनका टेस्ट बहुत इन्हांस कर देता है। और हमारे घर में भी जस्ट ऐसी ब्रेड पर लगा के या फिर कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो हम लोग न्यूटेला अक्सर खाते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम न्यूटेला के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे और क्या ये अच्छा होता है या हमारे लिए अच्छा नहीं होता। जैसा कि इसकी एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि यदि हम अपना दिन न्यूटेला से शुरू करें तो हम पूरे दिन तरोताज़ा रह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हेज़लनट, कोको पाउडर और शुगर तो होता है, लेकिन शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी आता है। तो हाँ, अगर टेस्ट से बोले तो हाँ, टेस्ट अगर इसका हम सुबह सुबह चख लें तो हमारा मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें कोको पाउडर है तो चॉकलेट है, तो फिर हमारे मूड को डेफिनेटली अच्छा कर देती है। तो अब मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी कि न्यूटेला में आखिर ऐसा क्या होता है कि ये सबको बहुत पसंद आता है। ये फरेरो कंपनी का प्रोडक्ट है। इसकी MRP 380 होती है, 350 ग्राम की पैकिंग इसकी होती है और इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल होती है। तो जैसे कि अगर 1 अगस्त 2022 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है तो 1 अगस्त 2023 तक ये हमारा चलेगा। तो बात करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है इसमें शुगर, जो कि अगर 100 ग्राम की पैकिंग में बात 100 ग्राम में इसका मिलेगा आपको 56 ग्राम शुगर। तो यानी कि 350 ग्राम की पैकिंग में लगभग 200 ग्राम इसमें शुगर ही होता है। इसमें जो शुगर डाली जाती है वो शुगर केन से बनाया जाता है और शुगर केन मेनली ब्राज़ील, इंडिया, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया से सोर्स की जाती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें पाम ऑयल है, जो कि पाम ट्री फ्रूट के पल्प से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें 13% हेज़ल नट्स होते हैं, तो लगभग 40 से 50 पीस ही होते हैं हेज़ल नट्स के। और क्योंकि वॉर के बाद कोको की बहुत कमी हो गई थी इटली में, तो हेज़ल नट्स और कोको को मिला के न्यूटेला बनाया गया। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो इसमें है, मिल्क पाउडर, कोको बीन्स और लेसिथीन नाम का इसमें नेचुरल इमल्सिफायर डाला गया है और वनीलिन नाम का इसमें स्टेबलाइज़र और फ्लेवर एनहांसिंग इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है, जो कि इसकी फ्लेवर को बहुत बढ़ाता है। जिन लोगों को नट्स से, मिल्क से और सोया से एलर्जी है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन मैं बता रही हूँ आपको। इसमें 100 ग्राम के पैकिंग में आपको 539 कैलोरीज मिलती है, 6.3 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 57 कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और टोटल फैट आपको मिलता है 30.9 ग्राम और 42 माइक्रोग्राम सोडियम मिलता है। इसकी एक सर्विंग 15 ग्राम की, यानी कि 1 टीस्पून, तो आपको 23 सर्विंग इसके एक पैक में मिल जाती है। इसको आप रोटी पे, ब्रेड पे या डोसे पे लगा के खा सकते हैं, नहीं तो nutella.com जो इसकी साइट है उस पर आपको और भी बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ये पुणे की जो कंपनी है फरेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो इसको टर्की से इंपोर्ट करती है। जो टर्की की फरेरो नाम की कंपनी है वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है इसको। इसको कूल, हाइजीनिक और ड्राई प्लेस पे ही स्टोर करने की सलाह दी गई है और हाई टेम्परेचर्स की वजह से कई बार इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाता है, तो इसको बस मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। 350 ग्राम की इसकी पैकिंग होती है। ये एक प्रोप्राइटरी फूड है जो कि हेज़लनट स्प्रेड विद कोको है, तो जस्ट टेस्ट के लिए है, ये कोई हेल्थ प्रोडक्ट नहीं है। ये तो इस पर क्लियरली मेंशन है इसकी बॉटल पे, फरेरो कंपनी का ये प्रोडक्ट है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको न्यूटेला के बारे में पूरी जानकारी दे पाई हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें या अपने बच्चों को न्यूटेला सर्व करें तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। और चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा
ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।